ब्रजभूषण सिंह का एहसान चुका रहे अखिलेश यादव। ब्रजभूषण सिंह मामले पर खामोश रहने के लिए मजबूर हैं अखिलेश यादव। अखिलेश की वो मजबूरी जो बनी सियासत का सबसे बड़ा सवाल। साथ ही जयंत और रावण पहलवानों के साथ अखिलेश ने मुद्दे से क्यों खींचा हाथ। जानिए सियासी गलियारों में अखिलेश की किस मजबूरी पर चल रही है चर्चा। देश के दिग्गज पहलवान जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे हैं। मुद्दा देश को मेडल दिलाने वाली बेटियों से जुड़ा है, इसलिए देश के तमाम दिग्गज विपक्ष के नेता जंतर मंतर पहुंच रहे हैं और कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह भाजपा से सांसद है, जिसके चलते विपक्षी पार्टियां भाजपा सांसद और मोदी योगी पर हमलावर है। ऐसे में यूपी की सियासत में विपक्ष के सबसे बड़े नेता चुप हैं। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर जनवरी से ही कुछ नहीं बोला और ना ट्वीट किया है, ना बयान दिया है और ना ही वह उन पहलवानों से मिले हैं जो इंसाफ मांग रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि अखिलेश यादव जो भाजपा को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते, वह देश और स्त्री इस मुद्दे पर खामोश क्यों है। ब्रजभूषण सिंह से उनका क्या कनेक्शन है जो वह ब्रजभूषण सिंह के भाजपा सांसद होने के बावजूद भी चुप्पी साधे हुए हैं। इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। लोगों का कहना है कि अखिलेश के साथी रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी और आजाद पार्टी के चंद्रशेखर रावण पहलवानों के समर्थन में खुला ऐलान कर चुके हैं। फिर आखिर अखिलेश क्यों चुप हैं? सियासी गलियारों में उसको लेकर तमाम चर्चाएं भी चल रही हैं। कई लोग कयास लगा रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह की बात अखिलेश यादव से हो गई है, वे जल्द ही सपा में एंट्री मारने वाले हैं। ऐसे में अखिलेश ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। दरअसल अखिलेश यादव ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसका कारण ब्रजभूषण सिंह के उस जवाब में छिपा है जो उन्होंने मीडिया को दिया था। पहले ब्रजभूषण सिंह का वो बयान सुनिए, फिर हम आपको बताते हैं अखिलेश की वो मजबूरी जिसके चलते वह ब्रजभूषण सिंह के मुद्दे पर खामोश है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो अन्य पार्टियां हैं, जैसे विशेष करके समाजवादी पार्टी, जहां आपका इशारा है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव, वो मुझे बचपन से जानते हैं और ज्यादातर जो पहलवान हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि एक ऐसे समाज से आते हैं जो समाजवादी विचारधारा से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं। आप कह सकते हो कि अगर देखा जाए तो पहलवानों में उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 10,000 बच्चे पहलवानी करते हैं तो 8,000 ऐसे बच्चे हैं जो समाजवादी परिवार से हैं और उनको सबको पता है कि हमारे नेताजी कैसे हैं, समाजवादी पार्टी के हर नेता को पता है कैसे हैं। तो सुना आपने, ब्रजभूषण सिंह ने अखिलेश की चुप्पी के पीछे की क्या वजह बताई है। अब सुनिए अखिलेश की चुप्पी के पीछे की असल हकीकत जो खेलों से संबंध रखने वाले एक शख्स ने बताई है। नाम बताने की शर्त पर शख्स का कहना है कि वाकई ब्रजभूषण सिंह सच बोल रहे हैं। यूपी से ज्यादातर यादव पहलवान कुश्ती में हिस्सा लेते हैं और यादव समाज समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ रहता है। ऐसे में अखिलेश यादव कई बार ब्रजभूषण सिंह से किसी न किसी यादव पहलवान की तमाम सिफारिशें करते रहते हैं। अखिलेश की सिफारिश का ब्रजभूषण सिंह अक्सर मान रखते थे और जो भी अखिलेश कहते थे वह उसे कर देते थे। ऐसे में अखिलेश यादव ब्रजभूषण सिंह के संकट में पड़ने पर पुराने एहसान नहीं भूले और लगातार इस मामले पर चुप्पी साथ कहीं ना कहीं ब्रजभूषण सिंह के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी तक अखिलेश चुप्पी साधने में सफल है, लेकिन अब अखिलेश की चुप्पी बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। इस हालात में अखिलेश के साथी जयंत और रावण अखिलेश को पहलवानों के साथ खड़ा करने के प्रयास में जुटे हैं। अखिलेश इस मुद्दे पर खामोश ही रहेंगे या साथियों के दबाव में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ बोलेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।